मेरा तेरे लिए है प्यासा, दिल मेरा प्यार का है प्यासा, गीत मेरा तेरे लिए है प्यासा, फूल खिले हैं रंग रंग के मेरे दिल में, प्यार की गंगा जमुना बहती मेरे मन में, बार बार क्या तुमको बुलाए मन मेरा, क्या प्यार का झूल रहे हैं मन में मेरे, देवी देवों को मनाते लेके मैं आशा, दिल मेरा प्यार का है प्यासा, गीत मेरा क्या भाई, इतने तो सारा गड़बड़ कर दिया। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। अभी आइए। अरे क्या भाई, सारा सत्यानाश हो गया, कहाँ है वो? आ रही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रोग्राम का बहुत बढ़िया इंतजाम किया आपने। पहले जो गा रही थी उस लड़की का नाम क्या है? चंपा। चंपा चंपा, मस्त माल है भाई साहब, वो आपकी रखेल है ना? नहीं भाई। क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब? उसका फोटो छपा रहे हैं, गाना निकाल रहे हैं, ऐसा क्या कनेक्शन है दोनों के बीच? वैसे ये बुढ़िया कौन है? अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे वाह, अब समझा कि अब मना क्यों कर रहे हैं? ठीक है तू जा 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 यहाँ से। क्यों रे, मुझे पहले से ही शक था कि तेरा कहीं चक्कर है। तेरी शक्ल सूरत के लिए मैं काफी नहीं, तुझे चंपा चाहिए। स्वाति। अर्जुन, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं नहीं जानती। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। शर्म नहीं आती तुझे? मारती क्यों? तुम जैसा समझ रही हो वो नहीं है, छोटी। इस उम्र में तू छोटी लड़की के साथ चक्कर चलाना चाहता है? कान खोल के सुन ले, न तू चाहिए न तेरा घर, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आइंदा अगर तू मेरे गांव में आया, मेरे मोहल्ले में आया, मेरी गली में आया या मेरे घर के पास भी आया तो ए, तेरी टांग तोड़ के हाथ में देती, याद रखना। चलो सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूंगी, इस काले बंदर के शक्ल सूरत वाले ने तो उल्टा मुझे धोखा दिया। उसके लिए भरी सभा में बेइज्जती करोगे? तेरी वजह से बीवी से मार खाई और वो इन्हें छोड़ के चली गई। हाँ? स्वाति, तुम्हें धोखा इन्हें नहीं दिया है, मुझे दिया है। मजाक तुमने इनका नहीं उड़ाया, मेरा उड़ाया। गाने के लिए मंजूरी देने के बाद भरी सभा में सबके सामने जबान से पलट गई। आज से तेरा और मेरा प्यार कैंसिल। इस लुच्चे लफंगे के लिए, इस डफर के लिए, इस लोकर के लिए तुमने हमारे प्यार को ठोकर मारने का फैसला किया है? सिर्फ प्यार को ही नहीं, शादी को भी ठोकर मारता हूँ। मेरे लिए तुमसे, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी शादी से कहीं बढ़कर इनको दिया हुआ वादा। क्या कहा भाई, मेरी खातिर अपना प्यार, शादी, सब कुछ कैंसिल कर दिया क्या? 100%। ये हुई ना बात, गालियां सुना कोई बात नहीं, जूते खाई कोई बात नहीं, चोरू भागी कोई बात नहीं, लेकिन तुम जैसे महान आदमी से दोस्ती हुई, मैं बहुत खुश हूँ आज। अब तक मैं सोच रहा था कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम हो मेरे लिए मेरे सच्चे दोस्त। अरे दोस्त नहीं, तुम मेरे बेटे समान हो। आर यू कॉल्ड डैड? एक और बात। डैड? एक और बात। डैडी? ओह, तो सेंटीमेंट इतना दूर पहुंच गया, तब तो तुम चारों इसी वक्त मेरा घर खाली करो। ये क्या कह रही हो? यही फैसला है, जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है तो मेरे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब सड़कों पे सड़ोगे ना तब मेरी याद आएगी। सुनो, जब तक मैं हूँ उसे रास्ते पर आने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त लोग? वो भी मेरे साथ रहेंगे। तुम मेरे मुँह बोले बेटे हो ना, चलो चलो मेरे साथ कोर्ट। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों से मैं कोर्ट में मिलूंगी। अरे कोर्ट में तो क्या, तुम जहाँ चाहो देख सकती हो, जाओ। ऑर्डर ऑर्डर। किसने किसने हमारी ऑडियो कंपनी बंद करवा दी? अरे ये उस फोन के घंटी वाले का काम होगा। नहीं वो नहीं, ये काम किया है कोर्ट ने। ऑडियो कंपनी बंद। ये सब कौन है? बताता हूँ, थोड़ा हटो तो। ये मेरा मुंह बुला बेटा चंकी है। नमस्ते सर। ये सारे उसके दोस्त हैं, शिवा, अली, सुरेश। नमस्ते। आज के बाद ये लोग यहीं रहेंगे।
हाय हाय हाय, एक तरफ उस टेलीफोन वाले ने मुझे हिला के रख दिया है, ऐसे मौके पे यहाँ आए लोगों को लाना, नो 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 नो, मुझे मंजूर नहीं है। सुनो पार्टनर, इसको क्या समझते हो, मेरी खातिर, मेरी इज्जत की खातिर इसने अपने प्यार को, अपनी शादी को कैंसिल कर दिया है मेरे चंकी ने। मुंह बोला बेटा। हाँ मुंह बोला बेटा, मुंह बोला बेटा। हाँ मेरा मुंह बोला बेटा, यहाँ नहीं रहेगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं रहूंगा। भरत तू क्यों नहीं रहेगा? हाँ अपने लवर को छोड़कर मैं परेशान हूँ, इसके लवर को छोड़कर ये परेशान है। हम दोनों की कहानी मिलती जुलती है, इसलिए मैं इसे दोस्त मानता हूँ। दोस्त के बिना मैं कैसे रहूँ? आई तेरी मती मारी गई है, दोस्ती क्या है दोस्ती, भाड़ में गई तेरी दोस्ती। ये चंकी मेरे ब्लड ब्रदर। तो मैं तुम ब्लडी ब्रदर। हेलो, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, फोन करने का कोई वक्त नहीं है क्या? बोलो फोन क्यों किया? क्यों भाई क्या हो गया? खैर फोन क्यों किया ये तो बताओ। तुझे एक बात बताने के लिए फोन किया। वेट 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 वेट, ऑडियो कंपनी बंद करवाने वाला तू ही है क्या? मैं नहीं, तेरे पापों की वजह से वो बंद हुई। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि ऑडियो कंपनी बंद करवाने वाला वो नहीं था। क्या हुआ? हेलो, अभी यहाँ किससे बात की? मैंने की। आए? मुझे कोई बात करो। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। इससे पहले जो कहा था वही कहो। क्या हुआ सर? आए, आए, आए। फोन पर बात करने वाले की और तुम्हारी आवाज बिल्कुल एक जैसी है। अरे तुम पागल हो गए हो, मेरा दोस्त चंकी की आवाज और फोन की घंटी वाली की आवाज तो एक ही कह रहे हो। यस चंकी भाई तो यहीं पर खड़ा है, तो वो फोन पर कैसे बात कर सकता है? इसीलिए तुम्हें ब्लडी ब्रदर कहा था। ऐसा? आई एम सॉरी डैड। आए, आए। आप अपने क्या कानाफूसी करे हो? एक बेहतरीन आइडिया आया जिससे हमें फायदा होगा। वो क्या है? हम जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं अगर उस आदमी की फोटो मिल गई तो कैसा रहेगा? ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। अभी तक जो आइडिया हमें नहीं आया वो इसे आ गया है। बेटे तुम इसे कैसे पुकारती हो? मुंह बोला बेटा। हाँ आज से मेरे लिए भी तू वही है। जी 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 जी। फोन की घंटी बजाने वाले, तूने हमारे बैंक में कैशियर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे दी। सिर्फ एप्लीकेशन ही डाला था, पोस्ट पे नहीं गया ना। सो व्हाट, उस एप्लीकेशन फॉर्म में उसका फोटो है ना। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। यहाँ आ जा सर। हाँ गौर से सुनो, सेल की हुई हमारी मेन ब्रांच में जाके, उसका नाम क्या है? अर्जुन सर। हाँ उसका एप्लीकेशन निकालो, उसमें से उसका फोटो निकाल कर यहाँ आ जाओ। ओके अर्जुन। ओके गो। थैंक यू। फोन के घंटे दिखाता हूँ रे। अर्जुन कुमार वर्मा। हेलो सर, फोन की घंटी वाले का फोटो मिल गया है, अब क्या करें? हाँ उस फोटो का फ्रेम करके पूजा करो। अच्छा सर। अरे सत्यनाश और तेरा, उसे ढूंढो और पकड़ के लाओ। हमें जहाँ पहुँचना था पहुँच गए, अभी बहुत सारा काम बाकी है। शिवा, प्रकाश राज को जब भी मुझ पर डाउट आए तो साइड में जाकर मेरी आवाज से बात करना। ओके, मुझे क्या करना है? प्रकाश राज के दिमाग में क्या है अभी ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, किसी भी वक्त तुम्हारे जादू की जरूरत पड़ सकती है, तुम तैयार रहना। आप जब भी बोलेंगे मैं तैयार हूँ, मेरे टैलेंट्स के बारे में तो आपको पता है ना। सुनो सुरेश। हाँ भैया। तुम्हारे जिम्मे बहुत जरूरी काम है। प्रकाश राज ने पब्लिक का पैसा गबन करके स्विस बैंक में जमा कराया है, इसके बारे में जो भी जानकारियां हैं उसके पर्सनल कंप्यूटर में होंगी। तुम क्या करोगे क्या नहीं, मुझे वो डिटेल्स चाहिए। ओके भैया ये काम। तुम लोगों का भाड़ा फूट चुका है, मुझे तुम लोगों पर पहले शक था। बाप रे, इस चश्मे वाले को देखते ही मैं पहचान गया था कि जरूर कोई प्लान बना के आया है। ये सारी बात मैं बॉस को बताऊंगा। जस्ट अ मिनट। अरे काहे का जस्ट अ मिनट। कुछ दिनों के लिए तुम्हारा मुंह बंद रहेगा और तब तक हमारा ये काम हो जाएगा।
पैर भी तोड़ दूं क्या? अब अपने बॉस से तुम बात करो, ठीक से रखो। आ जाओ आ जाओ।